लोग आज हम लोग करने वाले हैं रोज कॉन्सेप्ट के साथ काफी स्पेशल फोटो एडिटिंग। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज अपना इमेज कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। एंड गाइज यार मैंने पंख को ऐसे एडजस्ट किया, हर एक चीज मैं आज इस वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और कुछ खास ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, वो अभी तक आप लोग नहीं जाने होंगे। और ऐसा फोटो अभी तक इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं पर भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी भगाइएगा मत, छोटा वीडियो है, लास्ट तक देख लेते हैं तो काफ़ी कमाल का आप लोग एडिटिंग कर पाएंगे मेरी तरह HDR, ठीक है। मैं शुरू से अंत तक एकदम रियल ट्रिक में बताया हूँ इसको कैसे मैंने एडिट कर दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाई HDR है, हर एक चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो भाई लोग ये रहा अपना ओरिजिनल फोटो, ठीक है। देख सकते हैं मैंने किस टाइप से पोज दिया, इसी टाइप से आप लोग को पोज देना एंड फेस का रिएक्शन जो रहेगा वो सैड रहेगा, ठीक है। देन देखते रहिए, मैं तीन स्टेप में इसको क्लियर करने वाला हूँ आज का इमेज, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम इसको सेंड करेंगे गाइस, ध्यान रखना है हमारा फर्स्ट स्टेप है LR यानी लाइट रूम, ठीक है। तो इसको सेंड करते हैं गाइस लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे हम प्रेसेट का यूज़ करने वाले हैं और वो प्रेसेट आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा और डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है और काफ़ी कमाल कमाल का यूनिक ट्रिक भी यूज़ करने वाला हूँ आज के इस वाले वीडियो के अंदर। तो थोड़ा सा भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज के लिए मेरा ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए इसको जो है सबसे पहले लाइट रूम के अंदर सेंड कर देते हैं अपना ओरिजिनल फोटो एंड उसके बाद का प्रोसेस क्या है मैं बता रहा हूँ। तो भाई लोग अपना पिक जो है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक प्रेसेट का यूज़ करेंगे जो कि सिल्वर टोन में है, वो प्रेसेट में शायद आप लोग को दिया भी होगा लेकिन इसमें कुछ चेंजेस रहेगा। ये वाला आप लोग को डाउनलोड करना बनता है क्योंकि इस फोटो में अगर जो आप लोग को यूज़ करना है तो ये वाला प्रेसेट जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो वो कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ मैं आप लोग को वीडियो में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिएगा ये रहा हमारा प्रेसेट, प्रेसेट क्या करेंगे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यार यहाँ पे आप लोग को कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, देन राइट के आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद आते हैं ओरिजिनल फोटो के ऊपर, थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करेंगे रिजल्ट आप लोग के आंखों के सामने बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ऊपर की तरफ एक एरो है शेयर का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा इस सेव कॉपी टू डिवाइस का ऑप्शन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके अपने इमेज जो है गैलरी के अंदर सेव कर देंगे और यहाँ पे अपना पहला स्टेप जो है कंप्लीट होता हुआ। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, हमें PNG वगैरह का खेल है, कहाँ से कौन सा PNG में लगाने वाला हूँ, हर एक ट्रिक बताऊँगा, हर एक चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो भाई लोग अपना इमेज जो है गैलरी के अंदर सक्सेसफुली हो गया है सेव। अब चलते हैं गैलरी के अंदर। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं फेस का शार्पनेस वगैरह कितना हार्ड है, मतलब क्वालिटी वगैरह, ठीक है। अब देखिए अभी इसको हम लोग स्मूथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोगों ने कलर ग्रेडिंग किया इसको, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमें PNG वगैरह का काम करना है। तो चलिए इसको सेंड करते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे मतलब इस बार स्मूथ हम लोगों ने दूसरे स्टेप में क्यों नहीं रखा ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो पिक्सआर्ट के अंदर अभी अपना पिक जो है सेंड कर देते हैं, ठीक है। अब सेंड करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि कुछ मतलब PNG वगैरह का खेल है तो कॉन्सेप्ट वाला हमारा इमेज है, तो सबसे पहले अपने इमेज को रिसाइज कर लेंगे ताकि यार हमारा इमेज जो है फटे नहीं। तो नीचे की तरफ आप लोगों को टूल्स वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके रिसाइज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर वगैरह लिखा होगा, काट कुट करके मतलब हटा दीजिएगा। एंड गाइज यार यहाँ पर 5000 लिख के रिसाइज पर दो बार क्लिक करेंगे तो अपने इमेज का लास्ट मेगा पिक्सल्स होगा 3098, ठीक है। तो 3098 करके रिसाइज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपने फेस के ऊपर वर्क करते हैं, उसके बाद से देखिएगा इस PNG वगैरह कैसे लगाना है सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो नीचे की तरफ आप लोग को यहाँ पे मिलेगा रिटच का ऑप्शन, रिटच वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करते हैं तो आप लोग को मिलेगा आई कलर का ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपली आई कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो अपने आँखों को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो आई मतलब है आई लेंस इसको यूज़ करने वाला है, ठीक है। इसको अच्छे से यहाँ पर ऐड कीजिएगा और ऊपर नीचे इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको भी अच्छे से यहाँ पे बैठा दीजिएगा। अब देखिएगा इस कितना अच्छे तरीके से हमारा लेंस जो है लग चुका है। अब इसको 40% करके एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर दीजिएगा, ठीक है। अभी तो हमारा लिप्स दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ओट नहीं दिखाई दे रहा है हमारा, तो उसको कलर भी नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हमें रेड कलर एक चीज़ करना है तो वो मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। तो रिटच वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से स्लाइड करेंगे तो हेयर कलर के अंदर आना है
जैसे हेयर कलर के अंदर आएंगे गाइस तो यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद राइट आइकन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमारा हेयर जो ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा, इसको डिस्क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो हट गया गाइस। हटने के बाद यहाँ पे मैनुअली पे क्लिक करेंगे, अपने आँखों को जूम करेंगे और इसके अंदर वाले साइड मतलब अंदर वाला जितना भी पार्ट है वाइट का, इसको एक बॉर्डर टाइप से रेड कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सेट इमेज है तो आँख तो मतलब रेड रहना ही चाहिए, समझ सकते हैं आप लोग, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एंड इतना होने के बाद करना क्या है, राइट के सॉरी सिचुएशन 100% अमाउंट थोड़ा सा कम कर देंगे 30 के आसपास यानी 30%, एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। अब बात आ रहा है यहाँ पे मैंने जो रोज़ लगाया था मतलब PNG गुलाब का, उसको ऐड करना। ठीक है, उसको लगाना, तो ऐड फोटो पे क्लिक करके मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद से पंख वगैरह कैसे लगाना है, कहाँ से लाया जाएगा पंख, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एक क्लिक के अंदर। तो ऐड फोटो पे क्लिक करके पहले गुलाब लगा देते हैं। तो भाई लोग, ये रहा हमारा गुलाब वाला PNG। ठीक है, इसको इतना पे ले चल के अच्छे से ऐड करना है। ठीक है, अब इतना पे ऐड करने का मतलब ये नहीं, इसको बता दे रहा हूँ कैसे ऐड करना है। इसका फ्लिप रोटेट करके ऊपर की तरफ मतलब घुमा देंगे एक बार और इतना पे ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, थोड़ा सा पतला कर देते हैं। इतना पे करना है गाइस, इतना पे होते ही क्या करना है, इरेजर पे क्लिक कर देना है। इरेजर पे क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ तो आप लोगों को नीचे की तरफ मिलेगा इन्वर्ट का ऑप्शन। ठीक है, इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है तो गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद रेस्टोर पे क्लिक करना है। रेस्टोर पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हार्डनेस का जो ऑप्शन है इसको 100% कर देना है और जहाँ जहाँ हमें चाहिए मतलब यहाँ पे ब्रश को चला देना है आराम से। ठीक है, तो इस टाइप से प्रोफेशनल तरीके से ऐड हो जाएगा, मतलब हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए गाइस इसको क्या करना है, डन पे क्लिक करके हल्का सा इसका ऑपसिटी 90 कर देना है गाइस, एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे एडिटर वाला जो एक मतलब मैंने यहाँ पे एडिटर करके लिखा हुआ था, वो टेक्स्ट मैंने लिखा था एक एक करके, तो उसको लिख लीजिएगा स्मूथ करने के बाद लास्ट में। तो अभी देखिएगा इस पंख कैसे लगाना है, वो चीज़ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ऐड फोटो पे क्लिक करके फिलहाल मैं ऐड कर देता हूँ। तो भाई लोग, ये रहा हमारा पंख वाला PNG। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, ये दो PNG है, एक ये जो पंख वाला है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोगों ने एक PNG को रखना है। ठीक है, और ये वाला जो PNG इसको बड़ा करेंगे और कुछ इतना पे ऑप्सिटी कम करके देखेंगे अपने बैकग्राउंड में अच्छे से मतलब दिखाई दे रहा है कि नहीं। इतना पे अच्छा लग रहा है, इतना पे लगा देंगे गाइस। एंड इतना पे होने के बाद इरेजर पे क्लिक करके इस मतलब जिस टाइप से हम लोगों ने इसको इन्वर्ट किया उसी टाइप से नीचे की तरफ इन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे तो गायब हो जाएगा। फिर से रेस्टोर पर क्लिक करके हार्डनेस को पूरा फुल करके अब हमें अपने बॉडी के साइड साइड पंख चाहिए तो उसी टाइप से हम ला देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं किस टाइप से चला रहा हूँ, ब्रश को मतलब रेस्टोर कर रहा हूँ अपना पंख। इसी टाइप से आप लोग को भी करना है, बिल्कुल आराम से करना है, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना जो पार्ट है इसको आराम से इरेज कर दीजिएगा। देखिए गाइस, फिर से रेस्टोर पे क्लिक करके हार्डनेस पूरा फुल अब इस साइड का भी उसी प्रकार से ला देंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा गाइस। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से आ गया इस साइड का भी पंख। ठीक है, इतना होने के बाद गाइस राइट के आइकन पे क्लिक करके इसका ऑपसिटी जो है 100% कर देना है, मतलब बड़ा कर देना है, मतलब फुल कर देना है। अब देखिए गाइस, ये हमारा पंख जो है इसको मूव अप कर लेते हैं ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फ्लिप रोटेट कर देंगे इस साइड। ठीक है, कुछ इतना पे लगाना है, इतना पे लगाने के बाद इरेजर पे क्लिक करके जितना भी पार्ट है ऊपर का मतलब जहाँ जाके इरेज करना चाहते हैं वहाँ आकर इरेज कर दीजिएगा। और इतना पे देख सकते हैं काफ़ी कमाल का लग रहा है इतना। एंड गाइस यार, इतना होने के बाद राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देना है। और एक PNG और मैंने लगाया था ऊपर की तरफ से, उसको मैं ऐड कर देता हूँ, एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, ये वाला था PNG गाइस आशी की। ठीक है, अब देखिए गाइस ये PNG कितना ज़्यादा चोरी होने वाला है। इसको अच्छे से ऊपर की तरफ ऐड कर दीजिएगा आप लोग और यहाँ पे
रेड लाइट एक बार सर्च करना है, रेड लाइट। रेड लाइट जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो PNG मिलेगा आप लोगों को, इसको डाउनलोड कर लेना है। और इसका ब्लेंडिंग मोड जो है नीचे की तरफ ब्लेंड का ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके स्क्रीन कर देना है और इतना पार्ट जो है रेड कर देंगे, ठीक है। एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। ध्यान रखना है थोड़ा सा अपने हेयर के ऊपर भी आना चाहिए। अब देखिएगा इस इतना होते ही ड्रॉ टूल के अंदर आके 3 डॉट पे क्लिक करके अपनी इमेज को गैलरी के अंदर सेव कर देना है। आप चलिए गैलरी के अंदर मैं एक बार आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो देखिएगा इस हमारा गैलरी के अंदर इमेज, ठीक है। इतना पे होने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, रेमनी एप्लीकेशन को यूज़ करके फेस को स्मूथ कर देना है। अगर फेस स्मूथ करना नहीं आता है तो इसके दूसरे मतलब मेरा चैनल खोल के ये वीडियो जहाँ पे है इसके दूसरे नंबर वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कमाल का मैंने फेस स्मूथ करना सिखा दिया आप लोग को, तो उसको भी वॉचिंग कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आना है और यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को एक बार। और PNG वगैरह मैं कहाँ पर देने वाला हूँ वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये मेरा गाइस चैनल है, ठीक है अपना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी स्मूथ वाला मतलब वीडियो है, ये भी स्मूथ वाला है, ये भी स्मूथ वाला है, तो कोई भी आप लोग इन तीनों में से देख सकते हैं, देख ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक से मैंने बताया ग्रीन वाला, इसको आप लोग को मतलब देखना तो बनता है, ठीक है। और यहाँ पर गाइस कम्युनिटी का जो ऑप्शन है इसको गाइस लाइक करा कीजिए, ठीक है। मैं देखूँगा कि अगला पोस्ट कितना ज़्यादा लाइक जा रहा है, ठीक है। और जितना PNG स्टॉक वगैरह मेरा चाहिए अब, तो टेलीग्राम यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर देना है, मतलब टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे 2280, ठीक है। नहीं तो मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में इसका लिंक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सर्च सारा का सारा PNG यहीं पे दूंगा आप लोगों को, प्रेसेट वगैरह हर एक चीज़, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और स्मूथ कर लीजिएगा, इसको स्मूथ कर लीजिएगा, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहेगा आप लोग को और इसको भी मिला के आप लोग स्मूथ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग गाइस।